तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इससे पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा बेसी शहर से जगत तक का रास्ता, सफ़र और यहाँ के लोगों का रहन सहन। अब आज बढ़ रहे हैं जगत से आगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले हमारा एपिसोड जो है वो आप तक पहुंच सके और आप नेपाल को अच्छे से जान सके। तो चलिए चलते हैं जगत से आगे, देखते हैं क्या कुछ नया दिखने वाला है इस रास्ते में, इस सफ़र में। तो चलते हैं। कितना खूबसूरत नजारा है, और इधर से हम आए हैं। तो भैया ये देखिए, पहला झरना छोटा सा, लेकिन बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे भाई, और इतना ठंडा हवा आ रहा है इस पानी की वजह से, मत पूछो। ये पूरा का पूरा रास्ता जो है ना, वो बिल्कुल चुनौती से भरा है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आपको हर 2 किलोमीटर पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोई ना कोई गांव और मार्केट, तो खाने पीने और रुकने का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात हम आज बोलेंगे, बहुत सारे भाई YouTube पे वीडियो देखते हैं मनांग का, अरे भाई बहुत सुंदर जगह है चलो, लेकिन भाई बिना प्लान किए बिल्कुल नहीं आए। हम तो अकेले आ गए हैं, 2-4-5 लोगों का टीम बना के ही आए। पता नहीं कब आपका सेहत जवाब दे, शरीर जवाब दे दे, और कब आपका गाड़ी जवाब दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भाई सड़क पे गड्ढा नहीं है या सड़क पे पत्थर नहीं है, पत्थर में सड़क को ढूंढना होता है भाई किधर जाए। कई बार ऐसा हुआ है, आज हम लगभग 10 किलोमीटर ना भटके हैं इधर उधर, क्योंकि कहीं कोई लोगों नहीं, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, और आपको सीधे चलते जाना है एक तरफ से, एक जगह से 3-3 सड़क, और उसमें कौन सा सड़क सही है, कौन से गलत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत
प्रॉब्लम है। भोजपुरी में कहते हैं ए माँ है, तो ये है ए वो बाटो। अरे वाह कितना खूबसूरत झरना है भाई, मतलब गजब, बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज ये झरना है। पहले भाई देख ले एक नजर, उसके बाद ही आगे चलते हैं। पहले ये झरना देख लेते हैं भाई लोग, कितना खूबसूरत है। देखिए भाई कितना खूबसूरत झरना है, थोड़ा और नजदीक से आप लोगों को दिखलाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है भाई, कितना ऊंचा पहाड़ है, गजब, मतलब सर दर्द करने लगता है ऊपर जब देखते हैं तो इतना ऊंचा है। और ये देखिए पूरा व्यू, और ये पानी ना हवा बन के नीचे आ रहा है। दोस्तों चामचे में आपको कई वाटरफॉल दिखेंगे जिसमें से सबसे बड़ा ये वाटरफॉल है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं चामची, और आप देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल था पीछे। ये देख रहे हैं एक दीदी जो हैं सड़क पर बैठ के ना यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हैं। तो यहाँ के लोग ना मोबाइल फ्रेंडली है काफ़ी, यहाँ के लोग के हाथ में हर हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा, जबकि इंडिया से काफ़ी महंगा मोबाइल होता है यहाँ पे, लेकिन लोग मोबाइल। और जो भैया जी लोग हैं वो शाम को उनको नॉन वेज और क्या कहते हैं वो शराब ज़रूर चाहिए, तो यहाँ का कल्चर है। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे, दिखाते हैं आप लोगों को कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए आप लोग यहाँ का हरा पहाड़ भाई, ये तो एकदम बाहुबली जैसा पहाड़ है, देखिए बिल्कुल खरा। कितना ऊपर जाना है भाई, चामची भाई। यहां से दिखाते हैं एक बार नजारा, ये देखिए भाई छुटकू झरना, कितना प्यारा झरना है, कितना इत्मीनान से पानी गिर रहा है भाई। ये देखिए जब बारिश होगा तो बिल्कुल बाहुबली झरने की जैसे उतना ऊपर से यहाँ नीचे पानी आएगा। वाव मजा आ गया, मजा आ गया। और देखिए भाई यहाँ पे कितना सुंदर हरा हरा जंगल है, और कितना अच्छा लग रहा है। छ्यामछी का ये छुटकू झरना, बाहुबली भी होता तो भाई यहां से चढ़ना शुरू करता और ऊपर चला जाता। वाओ, और ये देखिए दर्रा भाई, कितना भयानक दर्रा है भाई।
अभी तो भाई शुरू ही हुआ है, अब ये सब तो मिलता ही रहेगा। ये देखिए भाई, लग रहे जैसे कोई तिलस्मी पहाड़ हो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं तिलस्मी पहाड़ से, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग जो है ना, उनका दिशा भ्रम हो जाता है और लोग समझ ही नहीं पाते जाना किधर है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं पता चलता है यहाँ। कुछ देर के लिए तो हमारे साथ खुद ही ऐसा हुआ, लेकिन देखे कि भाई रास्ता जो है उस पर चलना है, लेकिन लग रहा था जैसे हम उल्टा जा रहे हैं। फिर आ गया धक्का धक, पाऊ ठंडा का आहट आ गया भाई। वैश देख रहे हैं ना भाई, अब यहाँ क्या होगा। अरे बाबा, भाई बिल्कुल ये ना क्या कहें इसको, पहाड़ के गोद में है भाई। हम लोग बिल्कुल पहाड़ को काट के उसके नीचे से अंदर से रास्ता बना दिया गया। हम लोग नीचे हैं लेकिन ऊपर पूरे सड़क के ऊपर लगभग पहाड़ है, कहीं 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 थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कमोबेश यही हाल है। अच्छा रास्ता मिलता है तो बहुत खुशी होता है, जैसे अभी मौसम भी खूबसूरत है, रास्ता भी खूबसूरत है, ऐसा ही रहे तो फिर क्या बात है। आदमी एक दिन में ना वो बंदीपुर से जाके और वापस भी लोग आ सकते हैं घूम के मना कर। और खांसर गांव भी दोनों आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। भाई कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पहाड़ के नीचे से, एक छोटा सा गांव है या छोटा सा शहर है, लेकिन है एक अच्छा सा कस्बा है जिसमें सब कुछ है। और वो सामने देखिए एक झरना भी है,
बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एकदम खूबसूरत। तो चलते हैं भाई, अंधेरा होने वाला है, मतलब हो ही जाएगा थोड़ी देर में। तो उससे पहले जितना ज़्यादा दूरी तय कर लिया जाए, क्योंकि खांगसर के बाद एक और जगह हमारे प्लान में है, काफ़ी ठंड जगह है। सभी लोग जो भी देख रहे हैं कह रहे हैं कि आप पक्के ले आए हो, इतना दूर से आए हो, इतना परेशान होके जा रहे हो, वही खांगसर, तो वहाँ ज़रूर चले जाना। तो कहाँ जाना है ये हम जाने के बाद बताएंगे, अगर नहीं जा पाए फिर भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन हम कोशिश पूरा करेंगे वहाँ जाने का, इसलिए हमको ना मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम ना चुराना है, जहाँ 10 मिनट का काम हो वहाँ 5 मिनट ऐसे करते करते कुछ समय अगर बच जाएगा तो वहाँ हम जा पाएंगे। वैसे बिल्कुल वो 3 दिन का वो ट्रिप है, वो अकेले 3 दिन का ट्रिप है, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और अंधेरा होने से पहले मैक्सिमम जगह आप लोगों को दिखला दें। और अंधेरे में इस रास्ते में लोग चल भी नहीं सकते, तो इसीलिए भैया यहाँ कैसे गाड़ी पार करेगा समझ में नहीं आ रहा है, ये देखिए। लेकिन कोशिश करते हैं, अजीब एकदम कोई 12 से 18 ट्रक आके इसको चौपट कर दिया इस जगह को, निकल के लगता है। तो दोस्तों चमचे से निकल के हम चले आए हैं और आगे, और जैसे ही कोई कस्बा दिखेगा हम नाम बताएंगे, लेकिन अभी इधर कोई कस्बा नहीं है। यह खूबसूरत सा दाहिने तरफ एक नदी भर है जो कि मानांग से नीचे आ रही है, नदी के अपोजिट हम ऊपर जा रहे हैं, नदी नीचे आ रही है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये जो सफ़र है और एक्सट्रीम और भी एडवेंचर होता चला जाएगा। तो एपिसोड चूँकि काफ़ी लंबा हो जाता है और हम कुछ भी काट नहीं रहे हैं, जो भी हमारे पास विजुअल्स हैं मैक्सिमम शूट किए हैं और वो सब आपको दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए इस एपिसोड में इतना ही। आगे आपको फिर दिखाएंगे, जो कुछ भी हम देखें अपने आँखों से आपको दिखलाएंगे आपके सुजीत टूर ब्लॉग के माध्यम से। तो आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में जो भी भाई दोस्त मित्र जो भी मेरे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एपिसोड सबसे पहले पहुँचे। खास के आप लोग नेपाल को जानना चाहते हैं तो हमारा जो नेपाल ट्रिप प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप शुरू से नेपाल को देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और देख रहे हैं आप लोग को ना खूबसूरती और बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए आगे, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।